हेलो फ्रेंड, संगीता's वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जबरदस्त टेस्टी एक नई दाल बनाएंगे, चाइनीज सेजवान दाल बनाएंगे। तो चाइनीज सेजवान दाल बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में एक बाउल भर के दाल डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने तुवेर की दाल लिया है, तो ये बाउल है वो आधा कप का माप का है। तो हम ये दाल को धो के रेडी कर लेते हैं। तो लीजिए, हमने दाल को अच्छे से धो के रेडी कर लिया है, तो ये दाल हम कुकर में डाल देते हैं। तो आधा कप हमने दाल डाला है, उसके बाद आधी स्पून जितना हल्दी पाउडर डालेंगे, उसके बाद थोड़ा सा तेल, उसके बाद हम पानी डालेंगे। तो जो बाउल भर के हमने दाल डाला है, वही बाउल भर के हम उसमें पानी डालेंगे। तो एक बाउल भर के दाल लिया था, तो तीन बाउल भर के हम उसमें पानी डाल देते हैं। दाल को बॉईल करने के लिए रखेंगे। तो ये साइड हमारी दाल बॉईल हो रही है, तो दूसरी साइड हम वेजिटेबल को भी काट के रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने केबेज लिया है, उसके बाद कैप्सिकम, उसके बाद ग्रीन बीन्स लिया है, उसके बाद स्प्रिंग ऑनियन लिया है। तो ये वेजिटेबल को काट के रेडी कर लेते हैं। तो लीजिए, हमने एक बाउल भर के बारीक बारीक कैबेज को कट करके रेडी किया है, उसके बाद आधा कप ग्रीन बीन्स को भी इस तरह से कट कर लिया है, आधा कप स्प्रिंग ऑनियन को भी इस तरह से कट किया है, आधा कप कैप्सिकम को भी कट कर लिया है। तो दाल में डालने के लिए हमारा वेजिटेबल रेडी हो चुका है। और दूसरी साइड हम दाल को भी चेक कर लेते हैं, दाल भी हमारी बॉइल हो चुकी है। तो देखिए, हमारी दाल अच्छे से बॉइल हो चुकी है। तो ये दाल में हम एक गिलास ठंडा पानी डाल के दाल को मिक्स करके हम ये साइड रख देते हैं। और दूसरी साइड हम गैस पर एक कढ़ाई रख के उसमें हम 3 से 4 टेबल स्पून जितना तेल डालेंगे। तेल गर्म हो चुका है, तो 1 टेबल स्पून जितना यहाँ पे हमने जीरा डाला है, उसके बाद 1 टेबल स्पून जितना क्रश किया हुआ लहसुन, उसके बाद 2 से 3 लाल सूखी मिर्ची डालेंगे, उसके बाद थोड़ी सी हींग, उसके बाद आधा कप ग्रीन बीन्स हम डाल देते हैं। और ये ग्रीन बीन्स को तेल के साथ हम पकाएंगे, थोड़ी देर इस तरह से हिलाएंगे तो हमारी ग्रीन बीन्स अच्छे से गल जाएंगी। तो यहाँ पे हमारी ग्रीन बीन्स थोड़ी सी गल चुकी है, 1 मिनट तक मैंने तेल के साथ भुना है। उसके बाद 1 कप भर के केबेज डालेंगे, उसके बाद आधा कप कैप्सिकम, आधा कप स्प्रिंग ऑनियन, उसके बाद नमक। अच्छे से वेजिटेबल को मिक्स कर लेंगे और ये वेजिटेबल को हम 2 मिनट तक हम इस तरह से पकाएंगे, मतलब इस तरह से हिलाएंगे और बिना ढक्कन से हम वेजिटेबल को पकाएंगे। तो लीजिए, हमारा वेजिटेबल अच्छे से गल चुका है। तो ये वेजिटेबल में हम सॉस डालेंगे। तो यहाँ पे हम चाइनीज सेजवान दाल बनाने वाले हैं, तो मैं 2 टेबल स्पून जितना अभी सेजवान सॉस डाल देती हूँ। और ये सेजवान सॉस की रेसिपी भी हमने अपलोड किया है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उसके बाद 2 टेबल स्पून जितना टोमेटो केचप, और ये हमने सेजवान सॉस डाला है वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, क्योंकि ये सॉस में हमने जो मिर्ची यूज़ किया है वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। तो मैं फिर से 1 टेबल स्पून जितना सेजवान सॉस डाल देती हूँ। तो ये सेजवान सॉस एंड टोमेटो केचप आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, मतलब जितना स्पाइसी खाना पसंद करते हो। तो यहाँ पे हमने वेजिटेबल एंड सॉस को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और हमने जो दाल को बॉईल करके रखा है वो दाल हम ये वेजिटेबल में डाल देते हैं। अच्छे से दाल को मिक्स कर लेते हैं। और ये दाल में हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, और वेजिटेबल में ऑलरेडी हमने नमक डाला है, तो हम सिर्फ दाल का हिसाब का ही नमक डालेंगे।
और यहाँ पे हम दाल को थोड़ी सी टेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये दाल में आपको नमक कम लगे तो थोड़ा सा ऐड कर सकते हो, लेकिन हमारी दाल परफेक्ट रेडी है। तो ये दाल को हम मीडियम फ्लेम पर हम ये दाल को 1 मिनट के लिए पकने के लिए रख देते हैं। 1 मिनट के बाद हम दाल को देख लेते हैं। तो ये हमारी दाल रेडी हो चुकी है और ये दाल को ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि हमारी दाल भी ऑलरेडी बॉईल है और वेजिटेबल भी हमारा पक चुका था। तो 1 मिनट के लिए हमने दाल को पकाया है और ये दाल हमने गाढ़ी रखा है। अगर आपको पतली रखना है तो उसमें पानी डाल के दाल को पतली भी बना सकते हो, लेकिन ये गाढ़ी दाल ही टेस्टी लगती है। तो लीजिए हमारी दाल रेडी हो चुकी है। तो ये दाल में हम थोड़ा सा फ्रेश धनिया डाल के दाल को मिक्स करके दाल को हम गैस ऊपर से नीचे ले लेते हैं। तो सर्व करने के लिए हमारी गर्मा गर्म सेजवान दाल रेडी हो चुकी है। तो ये दाल हम एक बाउल में सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दाल को एक बाउल में सर्व कर लिया है। तो ये दाल के ऊपर हम थोड़ा सा तड़का लगाएंगे। तो तड़का लगाने के लिए मैंने एक कटोरी में 1 टेबल स्पून जितना तेल को गरम कर लिया है। गरम तेल में 1 सूखी मिर्ची डालेंगे, आधे स्पून जितना शेजवान सॉस डाल के थोड़ा सा फ्रेश धनिया डाल के ये तड़का दाल के ऊपर डाल देते हैं। तो लीजिए हमारी जबरदस्त टेस्टी एंड नई ऐसी चाइनीज दाल खाने के लिए रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये दाल रियली बहुत टेस्टी बनी थी। आप एक बार ये रेसिपी को जरूर ट्राई करना, आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। और ये सेजवान दाल है वो राइस के साथ बहुत टेस्टी लगती है, रोटी के साथ भी अच्छी लगती है, लेकिन ज्यादा ये प्लेन राइस के साथ सर्व कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।